अगर आपको भी तेज गर्मी में पसीना नहीं आता है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। तेज धूप के साथ लू चलते ही हीट स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। जैसे जैसे सूरज अपने तेवर दिखा रहा है, आगरा शहर में गर्मी का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। नौबत यह है कि प्रदेश में पहले तो कभी दूसरे नंबर पर आगरा शहर गर्मी के मामले में रहता है। धूप में ज्यादा देर तक रहने पर पसीने से शरीर ठंडा होता था, लेकिन अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। शरीर का तापमान बढ़ने के साथ ही बेहोशी आ सकती है और आपको हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो में हम आप बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक के खतरे से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, शरीर से पसीना आना शरीर की जनरली सतह का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि जैसे ही शरीर जिन लोगों को पसीना आता है और पसीना आने के बाद पसीना जैसे ही होता है हवा से, तो इससे शरीर की का तापमान नियंत्रित रहता है। यह बॉडी की एक्चुअली शरीर के सतह के तापमान को नियंत्रित करने की एक प्रकृतिजनक प्रक्रिया है। लेकिन होता क्या है कि जिस समय उत्तर भारत के उन मैदानी इलाकों में जहाँ तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुँच गया है, वहाँ जनरली हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्टेशन के मरीज क्रमशः इमरजेंसी सेटिंग्स में आते हैं हॉस्पिटल्स में। ऐसे मरीज, हीट एग्जॉस्टेशन के मरीज जो है, जनरली घबराहट, बेचैनी और गले का सूखना, इस तरह की समस्याओं के साथ आते हैं। उनके लिए जनरली जितना भी जल्दी जल्दी संभव हो उनको इमरजेंसी और अस्पताल में ले जाएं। उसके बाद डॉक्टर लगातार वहाँ कोल्ड स्पॉन्जिंग के साथ आईवी फ्लूइड भी लगातार देने पड़ेंगे, ठंडा फ्लूइड्स जिसके थ्रू ठंडे किए हुए रिंगल लैक्टेट या अन्य आईवी फ्लूइड, जिससे शरीर का भारी के साथ साथ आंतरिक तापमान। मरीजों में जनरली ब्लड प्रेशर की समस्या लगातार कई बार आती है। जनरली जो मरीज ऑलरेडी लंबे समय से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ऐसे मरीजों में जनरली थोड़ी सी डोज एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यदि शरीर में लगातार पसीना आ रहा है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा गिरता है। ऐसे मरीज में अपने चिकित्सक से मिले और ब्लड प्रेशर की दवाई को डोज़